हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे कैसे बेटर कर सकते हैं। देखो गाइस, आप सभी को पता होगा कि क्या करना है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई सब्जेक्ट वीक सब्जेक्ट हो कैसे जाता है। तो देखो, इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते ही ना हो। और तीसरी बात ये हो सकती है कि आप उसे पढ़ते तो हो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो उसमें आपको कुछ समझ में ही ना आता, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो फ्रस्ट्रेट होकर आप बंद कर देंगे, और आप उस चीज़ का कोई उस सब्जेक्ट का आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगा, तो फाइनली वो सब्जेक्ट आपका वीक सब्जेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि हम अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो भाई, अगर आप उसे नहीं पढ़ते तो इसलिए वो वीक है, अगर आप पढ़ोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये तो एकदम सिंपल सी बात हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, हम पढ़ने बैठते तो है लेकिन वो हमें समझ ही नहीं आता, उसके कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आता, हम कोशिश भी करते लेकिन हम उसे नहीं कर पाते। तो मान लीजिए कि आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। वो क्यों पसंद आता है? क्योंकि आप उसे पढ़ते हो, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, आप उस सब्जेक्ट में टाइम देते हो। अगर उस सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन है भी, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में, तो आप उस पर फोकस करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, आप उस पर मेहनत करते हो, फाइनली वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। और इसी तरीके से सारी चीज़ें, सारे टॉपिक उस सब्जेक्ट के आप पढ़ते जाते हो और वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट आपका जो वीक सब्जेक्ट होता है, आप उसमें कोशिश भी नहीं करते हो, आप उसमें एफर्ट ही नहीं करते कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तब उसमें एफर्ट करके वो चीज़ समझो। आप सोचते हो, आपके माइंड में तो फिट है कि यार, ये तो मेरी वीक सब्जेक्ट है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आएगी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये तो हमें समझ में आएगा ही नहीं, तो क्या इस पर टाइम बर्बाद करना, चलो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट में आता है, अगर उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपके माइंड में होता है कि नहीं यार, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन तो मुझसे होना ही चाहिए, क्वेश्चन कैसे नहीं होगा मुझे, मैं इसे जरूर करके रहूँगा। उसमें आप एफर्ट डालते हो तब आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रांग सब्जेक्ट और स्ट्रांग होता जाता है, और वीक सब्जेक्ट और ज़्यादा वीक होता जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं, यानी कि बेटर कैसे कर सकते हैं। देखो यार, आप बिल्कुल ध्यान से समझना, और आप अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपको खुद ही फील होगा कि हाँ यार, ये सब्जेक्ट मेरा पहले से बेटर हो रहा है। तो आप उस चीज़ को और कंटिन्यू करते रहोगे तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका वही सब्जेक्ट स्ट्रांग सब्जेक्ट बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखो, क्या क्या करना, मैं सारी चीज़ बताता हूँ। आप डेली कुछ देर तो पढ़ते होंगे, चाहे आप 2 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, जितनी भी देर पढ़ते हो आप, ठीक है। आप उसमें क्या पढ़ते होंगे, आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, आप स्कूल के होमवर्क करते हो, कोचिंग के होमवर्क करते होंगे, नोट्स वगैरह बनाते होंगे, ये सब करते हो। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना, अब आपको इसमें थोड़ी सी चेंज कर देनी। वो क्या करना है, देखो, अब जब भी पढ़ने बैठे हो ना, तो जो फर्स्ट आवर है आपके पढ़ाई का, मान लीजिए कि आप 6 से 9 पढ़ाई करते हैं, तो 6 से 7 बजे तक आपको क्या पढ़ना है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका वीक है। जी हाँ, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप उसे लेके बैठोगे, आप बोर फील होगे हमेशा की तरह, आपको दिल करेगा कि यार, यार बंद कर देते हैं, अब इतने दिन में तो मेरा होमवर्क हो जाता, मैं नोट्स बना लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, उस समय सारे ख्याल आ जाएंगे बस उस सब्जेक्ट को पढ़ने के अलावा, ठीक है। तो लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको और भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको 1 घंटे तो उस सब्जेक्ट को देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, इतना तो आप कर ले, इसके बाद आपको क्या करना है, आप उस सब्जेक्ट को, अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो रटने वाली चीज़ है, आप तो याद कर ही लोगे किसी तरीके से। मैं बात करूँ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट की, मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको किसी एक चैप्टर को ओपन करना है, ठीक है, जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, फिर जो भी क्लास में पढ़ाई हो, आप उसी लेके बैठ जाइए। स्कूल में सर कुछ समझाएंगे तो कुछ तो चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ तो आपने नोट्स बनाए होंगे। अगर ऐसा नहीं भी किया तब भी छोड़ दीजिए, आप किसी भी एक चैप्टर को लेके बैठिए, आप उसमें सबसे पहले उसके जो एकदम बेसिक है ना, आप उसे क्लियर कीजिए। मान लीजिए कि मैथ है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी है, आप उसमें जितने फॉर्मूले हैं आप उसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप जो चीज़ समझने वाली है वो तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपको वो चीज़ सॉल्व करने, सबसे पहले आप एक्सरसाइज पे मत आइए, सबसे पहले आप एग्जाम्पल पे जाइए, उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस चैप्टर में आपको सब लगा जाने हैं। आपको नहीं समझ में, आप देख के लगा, बुक में एग्जाम्पल है, उसके सॉल्यूशन है, आप उसको देख के लगाओ, सारे देख के लगा लो, ठीक है। फिर आप समझो कि अच्छा, इसमें तो ये फॉर्मूला लगा है, अच्छा इसको तो इस तरीके से किया है,
ओहो ये ऐसे होना था, इस तरीके से आप करोगे ना, तो मान लीजिए वो तो आपने देख के लगा लिया, जब आप उस टाइप का सेकंड क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा ये एग्जांपल में उस तरीके से लगाए थे, ये तो ऐसे सॉल्व होगा, इस तरीके से आपको करना है। कई लोग बोलते हैं कि देख के लगाने से तो कोई फायदा नहीं, लेकिन भाई ना लगाने से तो अच्छा है ना कि हम देख के लगे, कुछ तो समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि आपने सारे एग्जाम्पल तो देख देख के लगा लिए, लेकिन आप जब एक्सरसाइज पे करना है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जीरो बट्टे सन्नाटा है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये बात आप बिल्कुल याद रखना, ऐसा सबके साथ होता है, चाहे कोई टॉपर्स हो चाहे कोई एवरेज स्टूडेंट हो, सबके साथ ऐसा होता है, बस आपको वहाँ पे थोड़े पेशेंस रखने की जरूरत है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ, आपने एग्जाम्पल्स एक बार देख के लगाए ना, आपको सेकेंड टाइम में करना है एग्जाम्पल्स को बिना देखे लगाना है, हाँ एग्जाम्पल्स को फिर से लगाना है लेकिन बिना देखे। आप फॉर्मूला देख सकते हो, आप एक पेज पे फॉर्मूला लिख के रखो, आप उस फॉर्मूले को देख के उसकी हेल्प से लगा सकते हो, ठीक है, आप ऐसे लगाते रहोगे तो फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज पे आना, एक्सरसाइज पे कोशिश करनी है कि आप चीज़ लगाएं, शुरू के क्वेश्चन तो इजी हो जाते हैं, वो आपको लग जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाती है वो टफ होते जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं ना आप उसे लगा लो जो जो आपसे लग रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसे अपने टीचर से पूछिए, टीचर्स नहीं पूछना चाहते अपने फ्रेंड से पूछे, फ्रेंड से भी नहीं पूछना चाहते, सबके पास फ़ोन है, आप यूट्यूब पे देखिए 1,00,000 आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। हम सारे लोग मज़े के लिए इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं, लेकिन अपने काम की चीज़ के लिए कुछ सीखने के लिए यूट्यूब का यूज़ बहुत कम लोग करते हैं, तो आपको ये चीज़ करना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं, कोशिश कीजिए यार, कोशिश कीजिए, पहले ही आपके माइंड में सेट है कि ये तो मेरा वीक सब्जेक्ट है, इसमें तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया, मुझे कुछ समझ में आएगा तो भाई मेरे को कुछ कभी कुछ नहीं समझ में आएगा, और भाई आप उसे सोच लेंगे कि नहीं 1 घंटे तो देना है मुझे, ये भी तो पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप 1 घंटे में धीरे धीरे करते हैं तो वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले आप क्या करते थे, अपने वीक सब्जेक्ट को छूते ही नहीं थे, सोचते थे ये तो मेरे समझ में नहीं आएगा, जान दो इस पे कौन टाइम बर्बाद कर, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना, आपको डेली उसे पढ़ना है, डेली सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से कीजिए, आपका वीक सब्जेक्ट बहुत बेटर हो जाएगा और वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आपकी अगर आप एग्जाम देते तो आपकी जो ओवरऑल मार्किंग है वो बढ़ जाएगी। तो गाइज बस इस वीडियो में यही बताना था कि आप अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे बेटर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके अलावा के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम आयुष अरीना, जो कि चैनल का ही नेम है, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।